अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट हैव यू रेड द स्टोरी अगेन विच वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे? हैव यू रेड इट अगेन? डिड यू एंजॉय इट? इट वॉज अबाउट अ लिटिल रेड हेन, है ना? क्यूट सी वो मुर्गी थी, गोल मटोल, और उसने कितने तरीके से सारा काम किया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज वट एवर द लिटिल रेड हैन हैज डन इन द स्टोरी. ओके, बट बिफोर दैट यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ द यूनिट विच वी हैव स्टार्टेड. एज यू नो टुडे 20th ऑफ अप्रैल 2021 एंड द डे इज ट्यूजडे. Okay. Now we have started unit number 2. What's the name? Ishan. It is food, right? And food and farming. Food and farming. फूड क्या होती है नाबिया? व्हाट इज फूड? फूड है खाना, बिल्कुल सही. एंड फार्मिंग वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल. फार्मिंग होता है खेत उगाना, है ना? कि जो फूड है वो हम तक कैसे पहुंचती है, वो जमीन पे कैसे उगाई जाती है और किस तरीके से उसकी कटाई होती है, वो हम तक कैसे पहुंचती है, उगाने का प्रोसीजर, दैट इज फार्मिंग. प्रोडक्शन ऑफ फूड इज फार्मिंग. अब हर फूड इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वट एवर वी ईट कम्स फ्रॉम फार्मिंग. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द फूड मटीरियल दैट वी यूज टू ईट एवरी डे इन आवर लाइफ, इन आवर डेली रूटीन, कम्स फ्रॉम फार्मिंग. Right, now the little red hen, first of all, what did she do? She, exactly, peach boy, ye kaun bola hai? Shabash Aryan. Then, sowing, then, watering, exactly. You know, water is something that is very important for human beings, for animals and for plants as well. हमें अपनी बॉडी जरूरियात, बॉडी की जो जरूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए पानी चाहिए. कितना पानी हमें पीना चाहिए दिन में? 6 से 8 ग्लास पानी हमें पीने चाहिए टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड, है ना? हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए. इसी तरह से प्लांट्स को भी पानी चाहिए फॉर देयर ग्रोथ. इट्स द मेन फैक्टर. वाटर इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल द सीड्स विल बी सोड, देन दे विल बी वाटर्ड. ठीक है, उनको पानी दिया जाएगा. उसके बाद क्या किया जाता है? पानी के बाद क्या होता है अलीशा? वीडिंग. मट्टी में जो मट्टी को मिक्स करते हैं एक टूल के साथ, उसको वीडिंग कहते हैं. उसका क्या काम होता है मीरा? उसका क्या काम होता है वीडिंग का, क्या फायदा होता है? बिल्कुल सही, सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सॉइल में, सारे न्यूट्रिएंट्स फैल जाते हैं और उससे प्लांट की ग्रोथ इफेक्टिव हो जाती है बहुत ज्यादा. वो बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है. अच्छा जी, बीज बोया, पानी दिया, पौधे उगने शुरू हो गए. जब पूरे उग गए तो हमने उनको काट लिया. ठीक है, काटा. काटने के बाद क्या किया? एज इट इज खा लिया. यहां हम गंदम की बात कर रहे हैं ना, वीट की. वीट क्या है? गंदम. गंदम की हम रोटी खाते हैं बिल्कुल. अच्छा, अब कटिंग हो गई, अब गंदम हमें एज इट इज मिल जाएगी और हम खा लेंगे चम्मच के साथ बॉईल करके. ऐसे नहीं होता ना, हम क्या खाते हैं? रोज रोटी खाते हैं. तो किस तरह से होती है? वो ग्राउंड फॉर्म में होती है.
कटिंग के बाद उसको किया जाता है ग्राइंड, ठीक है, ग्राइंडिंग की जाती है उसकी, उसको पाउडर बनाया जाता है, वो आटा बन जाती है, फ्लावर बन जाता है, और फिर उससे हमने रोटी बनाते हैं हम. सो द सीड, वॉटरिंग, वीडिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ ओपन अप. We'll be doing a little work on the book today and a little on the skills book. आपके पास आपकी world watch book 2 भी होनी चाहिए और आपके पास आपकी world watch skills book 2 भी होनी चाहिए, right? अब इसका जो page है, that is page number 10. ये वाला page. यहाँ से हम आज काम start करेंगे. Modern farming. Modern farming. ठीक है. अब modern farming क्या है? Modern का क्या मतलब है? जदीद, latest. मॉडर्न. स्पेलिंग प्लीज बच्चों, स्पेलिंग पे बहुत फोकस करना. मॉडर्न, लेटेस्ट, नया से नया. हम मॉडर्न कपड़े पहनना चाहते हैं ना, नए नए फैशन के कपड़े, नए नए फैशन के जूते हम लेना चाहते हैं, नई नई चीजें अपने घरों में लाना चाहते हैं. मॉडर्न, ठीक है, जदीद, लेटेस्ट. नाउ कम अप टू द बुक. नाउ विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज ऑन द बुक प्लस द स्किल्स बुक. ओके, मॉडर्न फार्मिंग यानी जदीद खेती बाड़ी कैसे की जाती है. लेबल द पिक्चर्स, दे हैव गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिक्चर्स ऑन द पेज. यू मस्ट बी वॉचिंग इट एंड दे हैव गिवन अस 6 लेबल्स ऑल्सो. वी हैव टू पुट द राइट लेबल विद द करेक्ट पिक्चर. ओके, लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज वीडिंग प्लांट. अभी हमने डिस्कस किया है वीडिंग क्या होती है. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर विच गोज विद वीडिंग. प्लांटिंग सीड, कुकिंग रोटीज, वॉटरिंग प्लांट्स, कटिंग वीट, ग्राइंडिंग फ्लोर. इसको फ्लोर नहीं बोलेंगे. फ्लोर क्या होता है? फ्लोर तो जमीन होती है, फर्श होता है ना, इसको फ्लावर बोलेंगे, फ्लावर. नाउ लेट्स लेबल इट टुगेदर. मेरे साथ आपने लेबलिंग करवानी है. लेट मी फोकस. सी द फर्स्ट पिक्चर. व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग? कैन यू सी द हैंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन? व्हाट इज ही डूइंग इन दिस सॉइल? वो इस मट्टी में क्या कर रहे हैं जी साहब? क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? सीड्स डाल रहे हैं. शाबाश नाबिया, वेरी गुड. ये देखें, सीड्स डाल रहे हैं ना. इसको हमने लिख देना है यहां पे प्लांटिंग सीड्स. प्लांट, प्लांट इंग, प्लांटिंग सीड्स. ठीक है, प्लांटिंग सीड्स. कैन यू वॉच इट क्लियरली? लेट मी दिस. नंबर वन इज प्लांटिंग सीड. ओके, नंबर टू कैन यू सी दिस थिंग? ये क्या गिर रहा है? ये है पानी, वॉटर. सो दे दिस ट्यूबवेल इज यूज टू गिव वॉटर टू ऑल दीज फार्म्स ओवर हियर. कैन यू सी दिस ग्रीनरी, द ब्यूटिफुल वन? सो इट इज वॉटरिंग प्लांट्स. वॉटरिंग प्लांट्स. स्पेलिंग, नाउ दिस पिक्चर, व्हाट इज ही डूइंग? ये क्या हो रहा है जी? तो ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी को मिक्स कर रहे हैं, गोटी कर रहे हैं, है ना? इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको अहमद? इसको कहते हैं वीडिंग. बिल्कुल सही, वीडिंग प्लांट्स. देन
What are they doing? See, they're doing hard work. But what are they doing in fact? क्या कर रहे हैं ये? ये सब कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? Cutting, exactly, cutting wheat. क्या काट रहे हैं? Wheat, अभी मैंने बताया आपको क्या होती है wheat? गंदुम. सही, बिल्कुल ठीक. कटिंग वीट. ओके, पिक्चर नंबर 5. व्हाट इज ही डूइंग? ये मशीन कभी देखी है आपने आते जाते? देखिए, कभी जब कभी आटा लेने जाते हैं बाबा के साथ तो ये देखते नहीं है? ग्राइंडिंग मशीन है. और यहां क्या हो रहा है? ग्राइंडिंग ऑफ फ्लावर. ग्राइंडिंग राइट. नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 6. सबसे मजे का पार्ट, क्या पक रहा है ये देखें. कितनी प्यारी गोल गोल रोटियां. ये कहाँ का घर लग रहा है आपको? शहर का घर है. इसी शहर में रह रही हैं ये खातून, रोटियां बना रही हैं. नहीं ना, ये देखिए आग जला रही हैं लकड़ी से. ये देखा, लकड़ी पड़ी हुई सारी. लकड़ी से ही आग जलाई जा रही है, उसी पे रोटी पकाई जा रही है. तो ये गांव का मंजर है ये सारा. ये देखें, ये जो ऊपर की पिक्चर थी ये सारी गांव से रिलेटेड है. गांव ही में ज्यादातर खेती बाड़ी की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं और ये सारा काम वहां पे किया जाता है. ठीक है, ग्राइंडिंग शहरों में भी होती है. अब इसमें जो है ना, फार्मिंग में बहुत सी चीजें मशीनों ने ले ली. अब जैसे ये ग्राइंडिंग की है ना यहाँ पे, अब ग्राइंडिंग ये हो रही है, अब ये मशीनों के थ्रू हो रही है और आसानी से हो रही है. पहले ये हाथ वाली चक्कियों से होती थी और उनमें बहुत टाइम लगता था. तो दिस इज मॉडर्न फार्मिंग. ठीक है, अब ये जो कटिंग है ना ये हाथ से हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी कटिंग मशीन्स आर अवेलेबल इन दिस फील्ड नाउ. दे हैव यूज टेक्नोलॉजी इन डेवलप मशीन्स टू गेट द क्रॉप्स कट प्रॉपरली सो दैट इट कुड बी ईजियर to do more work in lesser time. ठीक है, आपको पता है मशीन कम वक्त में ज्यादा काम कर लेती है, लेकिन जब हम हाथ से काम करते हैं तो उसको ज्यादा वक्त लग जाता है. तो मशीनरी हर जो फील्ड ऑफ लाइफ है ना उसमें एड ऑन हो चुकी है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 11. Where food comes from? Where food comes from? खाना या खुराक कहां से आती है? अभी हमने पढ़ा है ना, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज कहां से आती है. कंप्लीट द सेंटेंसेज, राइट देम इन योर नोटबुक. नोटबुक में आपने नहीं लिखने, अभी सिर्फ ये आपने बुक पे कंप्लीट करने. नोटबुक का काम मैं आपको अलग से अलग लेसन में करवाऊंगी. ठीक है, दैट लेसन विल बी जस्ट फॉर द वर्क टू बी डन ऑन द नोटबुक. वो हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करेंगे. इस वीक में हमने यही काम करना है. बहुत ज्यादा काम नहीं दूंगी आपको, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है. ओके, बेस्ट सेंटेंस बन गया हमारा, घबराना नहीं है. अच्छा, दे हैव सॉल्व्ड फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू. फ्लावर कम्स फ्रॉम वीट. ये वीट है, गंदुम है, यहां से मिलता है आटा, आटे से बनती है रोटी, फ्लावर. ठीक है, वी मेक ब्रेड एंड रोटीज विद फ्लावर. वीट से आता है आटा और आटे से बनती है रोटी और ब्रेड जो हम खाते हैं. Next, you have to tell me. Get ready to give responses. Eggs come from. अब अंडे साहब कहां से आते हैं? जी, अंडा कहां से आता है बताइए. ये पिक्चर में अंडा कहां से मिल रहा है हमें? From अबू बकर. कहां से मिलता है अंडा? Hen. बिल्कुल सही, H-E-N, hen.
ठीक है. वी मेक ऑमलेट विद अब अंडा, तो मुर्गी ने दे दिया. ऑमलेट कहां से बना? यम्मी ऑमलेट कहां से बना? किससे बनाती है मामा ऑमलेट? कौन कौन ऑमलेट खाता है शौक से? मुझे वैसे पसंद है वेजिटेबल फिल्ड ऑमलेट जो होता है ना, मुझे तो बहुत मजा आता है ना. अब आप ये मुझे बताएं कि मामा जब घर में ऑमलेट बनाती हैं तो किस चीज से बनाती हैं? आटे से? अंडे से. बिल्कुल. तो ऑमलेट, वी मेक ऑमलेट विद एग्स. गुड. देन मैंगोज कम फ्रॉम, ये हैं आम. ये कहां से आ रहे हैं? कहां उगे हुए हैं ये देखें? ट्रीज. बिल्कुल सही, दरख्तों पे उगते हैं आम. एंड वी मेक पिकल विद, पिकल क्या होता है? हाई खट्टा खट्टा क्या होता है पिकल? अचार. अचार खाया कभी किसी ने? अच्छा आप लोग नहीं खाएंगे अचार, गला खराब हो जाता है अक्सर अचार खाने से, ठीक है? तो ट्राई टू अवॉइड. लेकिन बनता किससे है पिकल? ये बॉटल अक्सर हम लोग के घरों में मौजूद होती है, उन्होंने ब्रांड छुपाया हुआ है, अच्छे किए. वी मेक पिकल विद, ये किससे बना है पिकल? मैंगो. सिर्फ मैंगो का पिकल बनता है? अचार सिर्फ मैंगो का होता है? नहीं जी, और भी बहुत सी चीजें मैंगो के साथ अचार में मौजूद होती हैं. नंबर फोर, मिल्क कम्स फ्रॉम डैश गोट्स एंड बफलोस. क्या मिसिंग है? ये क्या है? क्या है ये? काउस. बिल्कुल सही, गाय से, बकरी से और भैंसों से हम दूध लेते हैं. वी मेक मैनी स्वीट्स विद डैश एंड शुगर. बहुत सी मिठाइयों में क्या इस्तेमाल करते हैं हम चीनी के साथ? अब जैसे ये जो मिठाई पड़ी है, मिठाई किस किस को पसंद है? काफी लोगों को पसंद होती है, खानी चाहिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खानी चाहिए. अब ये मुझे बताएं कि मिठाई में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं तो मिठाई बनती है, बताएंगे? स्वीट्स विद, अभी हमने ये क्या साथ रखा हुआ है? चीनी और किसको मिला के मिठाई बनाते हैं? इसको, मिल्क को. मिल्क कहां से आता है? काउस, गोट्स एंड बफलोज गिव अस मिल्क. दूध आता है इनसे, इन दूध में हम चीनी और दूसरी चीजें डाल के हम मिठाइयां बनाते हैं. डिजर्ट्स बनाते हैं, मीठा बनाते हैं अपने लिए, मेहमानों के लिए. अच्छा अब आप मुझे ये बताएं सब लोग, अगर ये लेसन आप सुबह में देख रहे हैं तो आप ये मुझे बताएंगे कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया और वो कहां से, क्या सोर्स थी उसकी? अब जैसे ऑमलेट की सोर्स क्या है? एग है. एग की सोर्स क्या है? हेन. मिल्क का सोर्स क्या है? काउस, बफलोज एंड गोट्स, है ना? आपने जो ब्रेकफास्ट, अगर तो सुबह में लेसन देख रहे हैं तो ब्रेकफास्ट का बताएं क्या खाया, अगर शाम दोपहर में लेसन देख रहे हैं खाने के बाद तो बताएं क्या खाया है और वो कहां से आता है, अगर रात का खाना खा के देख रहे हैं तो बताएं डिनर में जो आपने खाया है वो कहां से चीजें मिली हैं आपको, ठीक है? अभी आपने मुझे बताना है. कैसे बताना है? आपने मुझे दो दो जुमले लिख के भेज देने. कैसे? आई एट ऑमलेट विच कम्स फ्रॉम एग, एग कम्स फ्रॉम हेन. आई एट रोटी विच कम्स फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर कम्स फ्रॉम वीट एंड वीट कम्स फ्रॉम प्लांट, ठीक है? आई एट राइस, राइस कम्स फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं चावल हमें? प्लांट से ऑफकोर्स. आई एट, आई ड्रिंक मिल्क शेक. अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बताएं जब हम मिल्क शेक पीते हैं तो उसमें क्या यूज होता है? मिल्क, जाहिर उसके नाम से जाहिर है मिल्क, एंड अ फ्रूट, कोई भी फ्रूट हम डाल सकते हैं ना, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी आजकल बहुत आती है, हम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हैं अक्सर. तो मुझे बताएं मिल्क का सोर्स क्या है? मिल्क का सोर्स है काउस, बफलोज एंड गोट्स, अभी डिस्कस किया हमने.
स्ट्रॉबेरी या किसी भी फ्रूट का सोर्स क्या है, प्लांट है, ट्रीज है, है ना, तो इसमें दो सोर्सेज आप लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, बल्कि आप ऐसा करें मुझे वॉइस नोट बना के ना आपने भेजने हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, एंड यू हैव टू टेल मी दैट इन द ब्रेकफास्ट आई एट दिस थिंग एंड द सोर्स इज दिस, ठीक है। इसी तरह आपने अगर दोपहर के खाने की जिक्र कर रहे हैं तो इन द लंच आई एट वट एवर यू हैव ईटन और उसका सोर्स, ठीक है, सिर्फ एक वॉइस नोट बना के भेजना है मुझे। चलें हम आगे चलते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं आज हम यहीं रुकते हैं, इट्स योर वर्क टू कंप्लीट इट ऑन द बुक, ठीक है, आपने किताब पे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका मेन काम ये है दैट यू आर गोइंग टू सेंड मी वॉइस नोट्स विद योर नेम्स दैट आई एम, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वॉइस नोट भेज रही हूँ तो आप, मैं कैसे भेजूंगी, आई एम बुशरा फरहान क्लास टू ब्लू, आई एट ब्रेकफास्ट, I ate an omelette and a bread and a slice of bread in breakfast. Omelette comes from egg and eggs come from hen and bread comes from flour. Flour comes from wheat. That's it. इतना सा बोल के आपने मुझे voice note करना है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, next lesson में इंशाल्लाह हम मजीद काम करेंगे, अल्लाह हाफिज़।